श्री विष्णु पुराण नवा अध्याय। ऋषि दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिस विषय में पूछा है वह श्री संबंध माँ लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि जी से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उनकी गंध से सुवासित होकर वह वन वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त व्रति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय जी, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री माँ गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय जी, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य की मत से दूषित चित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही लगा रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अति अभिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। ऋषि दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है, वे मुनि जन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनि जनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तो इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रकटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। रे शक तो तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है, तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन हो गए और नष्ट भ्रष्ट होने लगे।
तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित नहीं रहा। हे द्विजोतन, संपूर्ण लोग लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी जी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश यही सत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पिता महर्षि ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति है और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है, शरण हो जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देव गणों से इस प्रकार कहे, लोक पिता महर्षि ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ भगवान श्री विष्णु की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी स्तुति करके कहने लगे, जो समस्त अणु से भी अणु पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं अर्थात भारी पदार्थों से भी गुरु अर्थात भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय अभेद सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर अर्थात प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं तथा जिन ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति अर्थात विभूति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात परमा अर्थात महालक्ष्मी एवं ईश्वर अर्थात पति अर्थात लक्ष्मी पति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वे भगवान श्री विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य अर्थात महत्त्व के कार्य अहंकार का भी कार्य अर्थात तन मात्रा पंचक है, उनके कार्य अर्थात भूत पंचक का भी कार्य अर्थात ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उनके कार्य अर्थात ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्य भूत अर्थात प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, तथा जो जगत के कारण अर्थात ब्रह्मा आदि का कारण अर्थात ब्रह्मांड और उनके कारण अर्थात भूत पंचक के कारण अर्थात पंच तन्मात्रा के कारणों अर्थात अहंकार महत्त्व आदि का भी हेतु अर्थात मूल प्रकृति है, उन परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं।
जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उन परम पद को हम प्रणाम करते हैं, जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही भगवान विष्णु का परम पद पर स्वरूप है, जो ना स्थूल है ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है, हम उनको प्रणाम करते हैं। जिनके अयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उन अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण भगवान शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। जिन अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत धाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर भगवान ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्ति धर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्व देव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत होकर आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तब उन शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयन होकर उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र अग्नि पवन वरुण सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण मरुदगण साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख यह देव समुदाय है। हे जगत सृष्टा, वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता इच्छा मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा।
तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेती बनाकर उन्हें दैत्यों और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही रह जाएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेती बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निःश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्रांचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि अर्थात यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली माँ वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुए जिन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय जी, उस समय मुनि गण के सहित समस्त दैत्य और दानव गण स्वस्थ चित होकर अति प्रसन्न हुए। उनके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमय श्री माँ लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सुक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर लोक महेश्वरी श्री माँ लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा भगवान विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए।
इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री मां लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री मां लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, श्री मां लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचीति आदि दैत्यगण परम उद्गिन अर्थात व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री अर्थात मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्यलोक अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों के धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोतम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्रदेव ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर पद्महस्ता श्री मां लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदर्श नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री मां लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल लाभ प्रिया श्री मां कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे मां देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम भी संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या अर्थात कर्मकांड महाविद्या अर्थात उपासना और गुप्त विद्या अर्थात इंद्रजाल तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आनविक्षिकी अर्थात तर्क विद्या वेद त्रय वार्ता अर्थात शिल्प वाणिज्य आदि और दंड नीति अर्थात राजनीति भी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा अपनी शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे माँ देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्हें उन्हें पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सुहग ये सब सदा आपके ही दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे मातः, तुमसे और भगवान श्री विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष अर्थात खजाना गोष्ठ अर्थात पशुशाला ग्रह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें अर्थात इनमें भरपूर रहें।
अय विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र सुहद पशु और भूषण आदि को आपका भी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व अर्थात मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिया, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार स्मृत स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री माँ लक्ष्मी देवी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। माता श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री माँ लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख ना होऊंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री माँ लक्ष्मी देवी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। श्री माँ लक्ष्मी जी पहले भृगुजी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु जब जब अवतार धारण करते हैं तभी माता लक्ष्मी उनके साथ अवतरित होती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश ना होगा। हे मुने, जिन घरों में माँ लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह का आधार भूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया है। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह माता लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इनका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।